हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा, देश के 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा की ओर से आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल मिश्रा, निदेशक, डॉक्टर बीके मिश्रा, सचिव, पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा। नए सत्र 2024-2025 के लिए नामांकन शुरू। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल अललपट्टी दरभंगा एवं तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिंकू झा, निदेशक। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार NH57 वासुदेवपुर दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नए सत्र 2024-2025 के लिए नामांकन शुरू। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम, शहर से लेकर गांव तक देश विदेश में जमकर लहराया तिरंगा। मुख्य समारोह दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसके साथ ही समाहरणालय, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों, घर की छतों और चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। शहर से लेकर गांव तक विभिन्न जगहों पर आपकी न्यूज टुडे की कैमरा टीम मौजूद थी। बारी बारी से विभिन्न जगहों के ध्वजारोहण की तस्वीरें हम संकलित कर आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परिवार में भंग करते रहते हैं, जिसको दर्शाती हुई ये झांकी है। इसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति ग्रैंड वेलनेस सेंटर, यह टेली मेडिसिन पर आधारित झांकी। इसके बाद स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की झांकी, पंचायतों में जल आपूर्ति। यदि हम कहें जल ही जीवन है, तो वह जल जीवन है जो शुद्ध पीने लायक है। उसी को दिखाती हुई विभाग की ये झांकी संघ जन विवाह एवं बुनियाद केंद्र पर आधारित है। उनका विवाह और बुनियाद केंद्र पर आधारित बड़ा ही आकर्षक समाज का ऐसा विलक्षण, ऐसी विलक्षण इकाई जो कमियों के बावजूद भी अपनी उपयोगिता बखूबी साबित कर रहा है। और उसके बाद ग्रामीण विकास काफी जरूरी है, ताकि उसमें समुचित खाद और कृषि के बाद शिक्षा विभाग की झांकी मंच के आगे से शिक्षा विभाग की झांकी गुजरती हुई। यह ICT लैब तंत्र पर एक युग हो गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी काफी सशक्त किया है। सूचना तो इसी हित है, विद्यालयों में ऐसी ICT लैब की स्थापना हुई है, जो बचे हुए हैं वहां की जा रही है, ताकि बच्चे आधुनिक दुनिया से अपने आप को जोड़ सके। शिक्षा विभाग के बाद बाल संरक्षण की झांकी है। यह विकल्प इस पर आधारित है,
जिला बाल संरक्षण इकाई की या झांकी में दें। सेफ सरेंडर, एक गोद ले अपनी जिंदगी सवार है। कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया और चाइल्ड हेल्पलाइन, कोई बच्चा दिखाई दे तुरंत 1098 पर भावुक। सादर आमंत्रित अपने अभिभाषण के लिए आयुक्त महोदय। परेड में भाग लेने वाली टीमें अपने अपने पूर्व निर्धारित जगहों पर। हम भारतवासी पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान इसलिए रखते हैं कि विश्व के एक सबसे बड़े गणतंत्र देश के शहरी हैं। हम इस पर भी गर्व करते हैं कि अब तक जो हमारा सफर प्रजातंत्र का शुरू हुआ है वो दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। इस अवसर पर हम देशवासियों से अपील भी करेंगे कि हम अपने गणतंत्र की रक्षा के लिए खुद को केवल अधिकारों तक सीमित न रखें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। सभी देशवासियों को, खासकर महाविद्यालय परिवार को, सीएम कॉलेज दरभंगा की ओर से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकबाद। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए महाविद्यालय परिवार, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं के ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और यह महाविद्यालय हर क्षेत्र में आगे रहे इसके लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से सतत प्रयास जारी रहेगा, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं प्रधानाचार्य दिलीप कुमार की ओर से सभी छात्रों को, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला, प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय दरभंगा। मैं अपनी तरफ से, अपने कॉलेज परिवार की तरफ से सभी मिथिलावासी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस मौके पर जो संविधान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है उसको हम पूरा पूरा निर्वाह करेंगे और देश के अमन शांति के लिए हम दुआ करते हैं कि देश के अमन शांति बना रहे। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार विक्की मोटर्स परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहां के प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी स्कूली बच्चों, सभी शिक्षक, सभी अभिभावक, मीडिया के बंधुगण, सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। और ये आज के दिन हमारा देश एक सशक्त भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम खास करके अपने यूथ, नौजवान बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे कि पढ़ाई के ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल के कूद के दुनिया हो या आज के दिन में हमारा एवरीथिंग जो देश के आवश्यकता है
उसमें आगे बढ़ चढ़ कर करके हमारे यूथ आगे आए हैं, बल्कि देश ही नहीं विदेश में भी बड़े बड़े कंपनी में आज वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के मुख्य पोस्ट पर हमारे देश के बच्चे इस देश के नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे भारत के लोग जो विदेश में भी हैं, मैं उन्हें भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से एवं पेट्रोलियम बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारी को, मीडिया के बंधुओं को और अपने सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दरभंगा के सभी लोगों को DJPS दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग दरभंगा की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है वो दिन है याद करने का उन तमाम लोगों की शहादत को जिनकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली और फिर फाइनली हम लोगों का संविधान जो कि पूरे देश की रूपरेखा तय करता है वो आज के दिन ही हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था। मैं जो खासतौर पर जो बच्चे हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा आज इस मौके पर कि हम लोग जितनी बातें फंडामेंटल राइट्स की करते हैं उतनी ही बातें हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी करनी चाहिए, यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों की। और एक मौलिक कर्तव्य जिसकी मैं खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा वो है स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, यानी उत्कर्ष के लिए आपको सतत प्रयासरत रहना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं, हमेशा आप एक्सेलेंस को चेज कीजिए। एक्सेलेंस केवल आपके लिए नहीं है, ये पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं शुएब अहमद खान दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से सभी गार्जियंस, सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मी, समस्त मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, मीडिया बंधुओं, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमारा संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ एवं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारा संविधान, हमारे आज़ाद देश को अपना संविधान मिला। आज के दिन हम खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करते हैं, उनके त्याग तपस्या और जो प्रताड़ना झेलकर वे देश को आज़ाद करवाएं उसको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज परिवार की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला के मीडिया कर्मी बंधु, हमारे अभिभावक, विद्यालय के बच्चों का, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं, नगरवासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। सभी शांतिपूर्ण शहर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोलन करें, मिठाइयां बांटें, आपस में हिल मिलकर इस कार्यक्रम को करें, शांतिपूर्ण बर्ताव रखें, सब आपस में मिलजुल कर करें। विद्यालय परिवार की ओर से पुनः एक बार मैं देशवासियों और शहरवासियों, अभिभावकों और सारे पदाधिकारी गणों को, मीडिया बंधुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अबूबकर आब्दी, डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, दरभंगा वासियों, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपने स्कूल के तमाम बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा, सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी लोगों, डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की परिवार की ओर से
दिल के गहराई से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से अल्लाह से भगवान से यही दुआ करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए और पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम हमेशा अव्वल नंबर। एनसीसी बालक एवं बालिका, एनसीसी की टीम भारत स्कॉट एवं गाइड की टीम सबसे पीछे मंच के आगे से गुजरते हुए डीएपी महिला होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल पंडा सराय में शान से लहराया तिरंगा। पूर्व वार्ड पार्षद श्रीमती रीता सिंह ने फहराया तिरंगा। स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त मिथिलांचलवासी, प्रदेशवासी, देशवासी, जिलावासी, सभी प्रतिनिधि, सभी समस्त गणमान्य नागरिक, आप तमाम मीडिया कर्मी, होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल के सभी टीचर, टीचर्स, सभी पेरेंट्स, सभी प्यारे प्यारे खासतौर से मैं अपने वार्डवासी के महान वार्डवासी को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना देती हूँ। साथ ही गणतंत्र जिन्होंने हमारे द वर्ल्ड के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का को गणतंत्र 1950 में लागू किया, उनको भी नमन करते हैं इस अवसर पर, उन्हें भी प्रणाम करते हैं और उन वीर शहीदों को भी नमन करते हैं इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिन्होंने स्वतंत्र देश में गणराज्य घोषित किया और हम लोग गणतंत्र देश के नागरिक हैं 1950 के बाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम तो इस गणतंत्र को चाहेंगे कि मेरा आने वाला पीढ़ी, प्रदेशवासी, देशवासी गणतंत्र को अक्षुण्ण रखें और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गणतंत्रता को सलाम करते हैं, अपने देश के सलाम करते हैं कि डे बाई डे हमारे देश में एक नया नया आयाम जुड़ रहा है। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ से भी साथियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, पुनः सभी को गणतंत्र 75वें गणतंत्र दिवस की हृदय से हार्दिक बधाई शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग सैद नगर लहेरिया सराय में निदेशक तकवीम अख्तर ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। नर्सिंग स्कूल की छात्राओं एवं उपस्थित जनसमूह ने तिरंगे को दी सलामी। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक सत्तरवां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरे कॉलेज के डायरेक्टर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टूडेंट सभी को मेरे हार्दिक बधाई, आप सबको हार्दिक बधाई। आज के दिन में झंडा ऊंचा रहने की कामना करते हैं, खुशियां मनाते हैं, तरह तरह का कार्यक्रम करते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत ही जश्न मनाते हैं और बहुत आज खुशी का दिन है। 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल के साथ सारे टीचिंग, नॉन टीचिंग सारे स्टाफ को एवं ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्रा और छात्र छात्रा के अभिभावक को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से दरभंगा सहित पूरे बिहार के सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी के साथ सरकारी पदाधिकारी, आमजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर NH57 दरभंगा में शान से हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने फहराया तिरंगा। स्कूली बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के ऑर्डर्स, वी हैव टू गिव अप योर झांसी नाउ। हम अपनी झांसी नहीं देंगे, झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है।
जितने बच्चे हैं उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में कामयाब बने। हर बुलंदी इस तरह से आती है, हर बुलंदी इस तरह से आती है, सौगातें खास होती हैं, सौगातें खास होती हैं, मशक्कत पास होती है, मशक्कत पास होती है। और आज के दिन जो ये खास 2024 का जो वर्ष है हमारे लिए, आजादी के साथ साथ हमारी जो विरासत रही 550 वर्ष की विरासत, वह विरासत को हमने पाया है। तो आज का दिन जो है हमारे लिए विधान, संविधान, अविधा, व्यविधा सर्वोच्च सर्वोत्तम है, उन सबों से ऊपर है। ये खास का दिन है, खास वर्ष है जिसमें हम सबों ने प्रवेश किया है। और हमारे यहाँ जो राम राज्य की परिकल्पना थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में प्रथम विश्व गुरु, प्रथम रिपब्लिक इंडिया नेशन हमारे भारत में था, जो वैशाली गणराज्य था। डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहेरिया सराय में शान से लहराया तिरंगा, स्कूली बच्चों ने आकर्षक झांकियां और प्रभात फेरी भी निकाली। प्रबंधक हेमेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पूरे स्कूल परिवार के साथ फहराया तिरंगा। Yeah!
आया।